आइए आज हम कॉसी जाविया और मक्तुआ कॉस को समझने की कोशिश करते हैं। हमने पिछले पीरियड में देखा था कि कॉस दायरे का हिस्सा होता है, कॉस का जाविया होता है जिस तरह दायरे का जाविया होता है, कॉस का मरकज होता है जिस तरह दायरे का मरकज होता है, कॉस की लंबाई होती है जिस तरह दायरे की मोहित की लंबाई होती है। अब हम कॉसी जाविया देखते हैं। यहाँ पर हम एक जाविया बनाने की कोशिश करते हैं। हमने तीन दायरों की शक्लें बनाए हुए हैं। ये शक्लें आपकी दसवीं किताब में मौजूद है। यहां पर हम उनको नाम देते हैं। ये जाविया ए बी सी, यहां पर पहली शक्ल में ऐसा जाविया हमारे सामने ए बी सी जिसका नुक्ता रास दायरे का ही नुक्ता है, दायरे पर वाक़ है और दायरे के कॉस ए बी सी के जो आखिरी सिरे है वो जाविये की साकन पर आके मिलते हैं। फिर से सुन लीजिए, जाविया ए बी सी पहली शक्ल में ऐसा जाविया है जिसका रास अब उसका सबूत पेश करने के लिए सबसे पहले हम अमल करेंगे। हम ये करेंगे श्वा ओ सी को मिलाने की कोशिश करेंगे। जैसे हम श्वा ओ सी मिलाते हैं तो हमारे पास एक मुसल्लस आ जाता है ओ ए सी। इस मुसल्लस की खास बात यह है कि इसका जिला ओए और ओसी इसलिए मुतमासिल है कि ये दोनों दायरे एक ही दायरे के दो निस्फ कुतर है। और हमने पढ़ा हुआ है मौजूदा कि एक दायरे के तमाम निस्फ कुतर आपस में मुतमासिल होते हैं, इसलिए जिला ओए और जिला ओसी जो है वो आपस में मुतमासिल होंगे। उसकी वजह ये बतानी पड़ी है कि ये एक ही दायरे के निस्फ कुतर। अब यहाँ पर एक मुसल्लस ओएसी हमारे लिए हो गया, मुसल्लस ओएसी जिसके दो जिले मुतमासिल है, इसलिए लाजमी तौर पर मुसल्लस मुस्तरिद साकन होगा। उसका नाम न लिखते हुए ऐसी शक्ल बनाया जिसके दो जाविये दो जिले मुतमासिल हो, तो ये हमारे लिए मुसल्लस मुस्तरिद साकन होगा। मुस्तरिद साकन मुसल्लस की खसूसियत यह है बेटे कि इसके मुतमासिल इजला के मुकाबिल के जाविये भी मुतमासिल होते हैं। अगर मैं ये फर्ज कर लू कि ओए के मुकाबले में जाविया ओ सी ए है और ओ सी जिले के मुकाबले में जाविया ओ ए सी है, इनकी पैमाइश को मैं एक्स फर्ज कर लेता हूँ कि दोनों अब मुतमासिल होने चाहिए, दोनों की पैमाइश भी एक्स होगी इसलिए मुतमासिल है। यहाँ पर हमने उसको लिखा हुआ ये फर्ज कर लिया हमने मुतमासिल। अब हमने मुसल्लस के खारजा जाविये की खासियत पढ़े हुए कि हर मुसल्लस में खारजा जाविया पाया जाता है। उसकी खास बात ये रहती है कि उस खारजा जाविये से जो जुड़ा हुआ अंदरूनी जाविया होता है मुसल्लस का वो उसको मुत्तसला जाविया कहते हैं और बकिया दो जाविये बच जाते हैं मुसल्लस के वो बईद दाखला जाविया, बईद यानी दूर, जो इससे दूर है इसके लिए उनको बईद दाखला जाविया कहते हैं। इन दोनों की पैमाइश का मजमू उसके खारजी जाविये की वजह से मुतमासिल होता है। उसकी सादी मिसाल ये है कि 180 मीटर का मजमू अगर आप तफरीक कर दे तो ये बचेगा, यहाँ पर ये दोनों खत्ती जाविये के दावे करते हैं, इस बीच में भी तफरीक वही होगी। अब यहाँ पर हम इस मसले का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ हम उसको जाविया बी ओ सी को देखते हैं कि हमारे लिए खारजा जाविये की हैसियत रखता है, मुसल्लस ओ ए सी का खारजा जाविया होगा। अब उसके लिए हमने देखे कि जाविया सी ओ बी बोलो या बी ओ सी बोलो, इसकी पैमाइश इस जाविया और ये जाविया ये दोनों इससे दूर है और दाखला है इसलिए बईद दाखला जाविया कहलाएंगे, जाविया ए ओ सी और जाविया ओ सी ए दोनों की पैमाइश, इनका मजमुआ एक्स और एक्स मानेंगे तो दो एक्स हो जाएगा। ये इस खारजा जाविये की पैमाइश का मजमुआ दो एक्स दर्ज हो। अब असल में जहां पर ये जाविया बन रहा है ये दायरे का मरकज है, इसलिए लाजमी तौर पर इसको मरकज जाविया भी कह सकते हैं, यानी ये जाविया बी ओ सी उसके अंदर मरकज जाविया में काम करता है। अब हमने पढ़े हुए हैं कॉस की तारीफ,
कि कौस की पैमाइश उसके मरकजी जाविये की मुतमसिल होती है। इसके लिए हमने यहाँ लिखे की जाविया सी ओ बी या बी ओ सी बराबर है एम कॉस बी डी सी। लेकिन हमने यहाँ पर दूसरी मसावत जिसको हमने फर्ज किए उसकी कीमत हमारे लिए दो एक से आ गई, तो हमने यहाँ दो एक लिखे सी ओ बी की जगह जो उसकी पैमाइश थी। इसका मतलब ये हुआ कि इस कॉस बी डी सी की पैमाइश दो एक होगी। हमने एक्स को एक की जानी रखते हम दो को उसके बटे में लेकर आ रहे हैं, यानी एक बटे दो से इसको तकसीम दे रहे हैं हम। अब यहाँ पर एक्स जो है हमने फर्ज किए थे कि या तो वो एओसी हो सकता है या एसी एक बटे दो एम कॉस बी डी सी के होता है। जाविया ओएसी को हम बी ए सी भी पढ़ सकते हैं, इसलिए हम उसके नीचे तो नाम लिखे जाविया बी ए सी। और यही जो चीज है ये हमको साबित करना थी कि किसी भी दायरे में कोई भी कौसी जाविया की पैमाइश उसके मकतूआ कौस का निस्फ होती है। अब हमने ये जो शब्द बनाया इसकी खास बात ये थी कि कौसी जाविया की एक साफ दायरे का कुतर थी,